नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। आज बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के तरफ से एक पत्र जारी हुआ और उसके बाद बिहार में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। दरअसल कोरोना काल में लगातार अपडेट देने वाले संजय कुमार, जो कि स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव हैं, उनका अब ट्रांसफर हो गया है। वो पर्यटन विभाग में चले गए हैं और पर्यटन विभाग से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव बनाए गए हैं, जो पहले पर्यटन विभाग में थे, उदय सिंह कुमावत। आखिर ये कौन है? उदय सिंह कुमावत का पास्ट क्या है? कहां कहां उन्होंने काम किया है? पूरी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अमित हैं। अमित, तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे, तमाम जानकारी देंगे कि उदय सिंह कुमावत कहाँ कहाँ काम उन्होंने किया है, क्या क्या उनकी स्टोरी रही है। अमित, उदय सिंह कुमावत राजस्थान बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले बिहार में कैसे कैसे आए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उदय सिंह कुमावत के नाम की जैसे ही घोषणा हुई और जैसे ही यह नोटिफिकेशन जारी हुआ उनके ट्रांसफर का और उनको बिहार के स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाए जाने का, वैसे ही मीडिया में और तमाम हलके में हलचल मच गई कि आखिर ये उदय सिंह कुमावत कौन है? ये बहुत लो प्रोफाइल अधिकारी अभी तक माने जाते रहे हैं। इन्होंने अभी तक इनके बारे में बहुत कम लोग जानते रहे हैं। इनकी पहचान अभी कोई बहुत विशिष्ट अधिकारी के रूप में और खास करके नीतीश सरकार के बहुत प्रिय अधिकारी के रूप में इनकी नहीं बनी। नहीं, मतलब चर्चा में भी विशेष नहीं थे। जब से नीतीश सरकार सत्ता में आई है, जब से नीतीश कुमार सत्ता में है और जब से यह सरकार बनी है, इनको बहुत कोई प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट नहीं मिला था और बहुत कोई प्रोमिनेंट पोस्टिंग नहीं मिली थी। लेकिन लगभग 51 साल के उदय सिंह कुमावत राजस्थान के रहने वाले हैं और इनका अपना अनुभव का क्षेत्र बड़ा है। यह राज्य में भी काम कर चुके हैं, केंद्र में भी काम कर चुके हैं, लंबे अरसे तक काम कर चुके हैं। यह अवश्य है कि स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े विभाग, खास करके कोरोना काल में जो जिस विभाग की सबसे ज़्यादा मतलब महत्ता सबसे अधिक है, उस विभाग का प्रधान सचिव का पद उनके लिए अभी तक का उनका जो प्रोफाइल है उसके अनुसार बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपनी उनकी जो IAS के रूप में जो उनका कैरियर शुरू हुआ है, वो सबसे पहले वह SDM हुए थे पूर्वी चंपारण में और 1995 से 1997 तक वहाँ SDM के तौर पर इन्होंने काम किया था। तो SDM के तौर पर जो काम किया था उसके बाद, अब यह समझिए कि यह उस सरकार, इससे थोड़ा सा यह पता लगता है कि उनको उस सरकार ने कितना महत्व दिया। लालू राबड़ी शासन का दौर था और 95 से 97 तक, 95 में खुद लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे और 97 तक जो अवधि दिखाई जा रही है वो अवधि बताती है वो लालू प्रसाद के कार्यकाल में यह SDO रहे पूर्वी चंपारण के। अच्छा। और 97 में जो पहली पोस्टिंग इनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में, DM के रूप में, झारखंड का इलाका जो है बिहार में, उसको जो पहले था संयुक्त बिहार में, वहाँ भी डीएम जो है, DM का पद उस समय वहाँ उपायुक्त ही कहा जाता था, अभी भी उपायुक्त ही कहा जाता है, मतलब डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, तो डिप्टी कमिश्नर का पद हुआ करता था और उनको सबसे प्रोमिनेंट पोस्टिंग मिली थी। अच्छा। संयुक्त बिहार में किसी भी IAS के लिए, खास करके नए DM बनने वाले जो नए अधिकारी बनते थे और खास करके जो DM का पद जिनको भी मिलता था, या DC जो झारखंड के इलाके में DC कहलाते थे, DC का पद जो मिलता था वह बहुत महत्वपूर्ण जो पोस्टिंग होती थी उसमें, वह होती थी धनबाद के DC की, और धनबाद के DC की पोस्टिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वहाँ माना जाता था वहाँ बहुत ही ट्रस्टेड अधिकारी को वहाँ पोस्टिंग की दी जाती है और इनकी पोस्टिंग हुई थी धनबाद में 1997 में, 1 जुलाई 1997 को इनकी पोस्टिंग हुई थी धनबाद के DC के तौर पर। अच्छा। धनबाद के DC के तौर पर धनबाद के मतलब जो मतलब बिहार के शब्दावली को अगर उपयोग करें तो बिहार मतलब DM के तौर पर, धनबाद के DM थे एक तरह से, पद का नाम भले DC होता है वहाँ, लेकिन ये DM थे। धनबाद सबसे धनाढ्य जगह माना जाता था, वहाँ काला
कोयला का काला कारोबार होता था, वहाँ के डीएम का बहुत महत्व होता था, वहाँ माना जाता था कि वहाँ जो भी डीएम बनता है वो माला माल हो जाता है, माल हो जाता है जी। और सरकार अपना चुनिंदा किसी चुनिंदा अधिकारी को ही वहाँ पोस्टिंग देती है। तब कितने करीब थे लालू राबड़ी शासन के यह कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जो पोस्टिंग उनको मिली थी यह दर्शाता है कि वह निश्चित रूप से उनके बहुत प्रिय अधिकारियों में, मतलब 1993 बैच के आईएएस थे और बेहद कम समय में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। धनबाद जैसे आगे का क्या, धनबाद जैसे जिले की डीएम जैसे पद की जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई। अच्छा, यूं कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो लालू राबड़ी के करीबी थे एक तरह से, इसका मतलब कि उस शासन के विश्वासपात्र अधिकारी में थे, या इनके को जो इनके जो कोई अपने होंगे वह लालू राबड़ी शासन के करीब होंगे, जिसकी वजह से उनको इतनी प्रोमिनेंट पोस्टिंग मिली थी। ऐसे ही नहीं हो मिलती। अच्छा, आगे आगे का क्या, आगे उनको नवादा के वो जिलाधिकारी बने 1998 में, और 1998 से 99 तक वहाँ रहे। फिर बाकी इसके बाद वो लगातार लोहरदगा में, फिर वर्ल्ड बैंक के एक प्रोजेक्ट पर ही प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, लोहरदगा में भी डीसी रहे, होम डिपार्टमेंट में भी उन्हें एडिशनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई, फिर आपको अंडर सेक्रेटरी रहे, डिप्टी सेक्रेटरी टू सीएम रहे, मतलब उस समय के जो सीएम हैं उनके भी, मतलब मुख्यमंत्री सचिवालय में भी यह इनको पदस्थापित किया गया था। तो इसका मतलब उसके बाद इनका जो पोस्टिंग होता है यह मिनिस्टर ऑफ कोल और माइंस के ओएसडी के रूप में यह सेंट्रल डिप्टेशन पर चले जाते हैं 2002 से 2003 के बीच में। अच्छा, और उसके बाद इनकी लगातार पोस्टिंग बाहर रहती है, मतलब बिहार से बाहर रहते हैं। बिहार में यद्यपि इनका कार्य अनुभव हेल्थ विभाग में भी रहा है, हेल्थ विभाग में भी इनका कार्य अनुभव रहा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं हेल्थ सर्विसेज को, हेल्थ सर्विसेज के, और यह इनका यह कार्य अनुभव हो सकता है कि अभी काम आए। एक और जानकारी बता दें कि कांग्रेस के अभी जो बड़े नेता हैं तारिक अनवर, जो कटिहार से आते हैं जी, वह एक वर्ष के लिए केंद्र में मंत्री बने थे, कृषि राज्य मंत्री बने थे, उनके यह पीएस रहे थे। अच्छा, जब वो यूपीए सरकार में शरद पवार जब कृषि मंत्री थे तो उनके कृषि राज्य मंत्री थे तारिक अनवर, और उनके पीएस रहे थे उदय सिंह कुमावत। तो उदय सिंह कुमावत का कुल जमा यह अनुभव है। बिहार सरकार में इन्हें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाया गया था, यह आईजी भी थे एक्साइज और रजिस्ट्रेशन में, लेकिन इनकी कोई इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतना पीपुल फ्रेंडली विभाग की जिम्मेदारी पूरी तरह से इनके कंधे पर पहली बार आई है। अच्छा, मतलब इससे पहले अभी तक वो पर्यटन विभाग में थे, लेकिन वहाँ भी उनको कुछ वो पब्लिक फ्रेंडली विभाग उतना नहीं है, पब्लिक मतलब पब्लिक कंसर्न उससे बहुत जुड़ा हुआ तो नहीं है, आपको लगता है पब्लिक का दबाव नहीं है। पर्यटन विभाग में बहुत कुछ करने को है, पर्यटन विभाग में बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक का दबाव उतना नहीं रहता। इस बार उनको पब्लिक का दबाव, मीडिया का दबाव, पूरे प्रशासन का दबाव उनको झेलना पड़ेगा। उनको यह झेलना पड़ेगा कि बिहार में जो कोरोना की जो विपदा है इससे किस तरह से बिहार को वह उबार पाए। ये कहना तो अतिशयोक्ति नहीं हुआ कि एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर दे दी गई है, क्योंकि अभी जो है राज्य की एक एक जनता स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का नाम जान रही थी, संजय कुमार का एक एक अपडेट जानने के लिए उनका ट्वीट लोग पहले देखते थे। तो क्या उदय सिंह कुमावत वो विश्वास जता पाएंगे? देखिए, उदय सिंह कुमावत के साथ यह एक और मसला है, हम यह जानकारी देना चाहेंगे आपको कि उदय सिंह कुमावत इससे मतलब लगभग करीब 6 साल के बाद वह बिहार लौटे थे 2019 में। अच्छा, 2018 में लौटे थे, तो मात्र 2 साल का, उस बीच में 6 साल लगभग वो रहे थे सेंट्रल डिप्टेशन पर, तो 6 साल के बाद 2 साल का उनका कार्य अनुभव बिहार में है, और अभी वो पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव थे। तो अब किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग उनकी बनी है नीतीश सरकार से, और कितना इसमें सफल होते हैं, दूसरा है कि बिहार की जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उससे कैसे वो दो चार कर पाते हैं, कैसे उसका मुकाबला कर पाते हैं और कैसे उससे पार पाते हैं, खास करके कोरोना की परिस्थितियों को, इसमें सबसे अधिक दबाव उन्हें झेलना पड़ेगा। उन्हें डॉक्टर का दबाव भी झेलना है, उन्हें मरीज का भी दबाव झेलना है, हेल्थ सर्विसेज के कर्मियों का परेशानी को से जूझना है। जहाँ उनके सामने चुनौतियाँ यह है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10,000
टेस्ट प्रतिदिन हो, अभी तक 3900 टेस्ट प्रतिदिन होने की बात स्वास्थ्य विभाग की ओर से कही जा रही है, तो लगभग 3 गुना छलांग अभी लगानी है। और ये 10,000 से भी कम नहीं चलेगा। आपको बिहार से बाहर से आए हुए जो प्रवासी मजदूर हैं उसकी संख्या लगभग 10 लाख के आसपास हो जाएगी जी, मतलब बहुत जल्द। तो उनके उनका उन सभी का टेस्ट करना आवश्यक है, और इसलिए यह जितनी जल्दी हो सके, मतलब अगर आप 10,000 के अनुपात में टेस्ट करेंगे तो 10 लाख का टेस्ट करने में आपको 100 दिन लग जाएंगे, तो वह उतना समय आपके पास नहीं है, और उसको उसकी रफ्तार तेज करनी है, और उसके लिए आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। इस बारे में उदय सिंह कुमावत को निर्णय लेना है। तो उदय सिंह कुमावत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है, क्या कुछ उनका पास्ट था और आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारी उन पर पड़ेगी, अमित ने सामान्य शब्दों में आपको समझा दिया है इस मामले पर कि आखिर क्यों संजय कुमार का तबादला करना पड़ा, वो भी ऐसे मुश्किल वक्त में। इस पर हम एक खास विश्लेषण लेकर आ रहे हैं अमित के साथ, वो भी लाइव आप जरूर देखिएगा। इस वक्त के लिए बस इतना ही, आप बन रही है हेडलाइंस बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।